हेलो फ्रेंड्स, मैं सलीम लैंगियान और आप देख रहे हैं सैम एजुहब। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल का रिजल्ट है वो कब आने वाला है और उसके साथ जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो ये जो हमने आंकड़े आज तैयार किए हैं आपके सामने, तो इस वीडियो के अंदर मैं जो बताऊंगा आपको वो बिल्कुल 99% एक्यूरेट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, टोटली बात करते हैं हम हरियाणा पुलिस के मेल कॉन्स्टेबल की वैकेंसी की। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है हरियाणा पुलिस की मेल कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी है, इसके अंदर जनरल की जो आपकी सीट रही है वो 2300 सीट है और जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के अंदर इसकी टोटल सीट है 900 और बीसीए कैटेगरी के अंदर 700 यानी कि 700 सीट है और बीसीबी के लिए 400 सीट है। और एक्स सर्विसमैन अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 350 सीट है। एससी के अंदर 100 सीट है एक्स सर्विसमैन कोटे से और बीसीए के अंदर एक्स सर्विसमैन कोटे से भी 100 सीट है और एक्स सर्विसमैन कोटे से बीसीबी की जो वैकेंसी रहेंगी वो टोटल है 150। तो इस तरह से टोटल आपकी 5000 वैकेंसी है मेल कॉन्स्टेबल की, जिसके अंदर जो फाइनल कट ऑफ हमने तैयार की है वो डेटा को एनालाइज करके इसको पूरा डिकोड मेंटेन करने के बाद ही फाइनली आपको ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि फाइनल कट ऑफ ये रहने वाली है। ये जो कट ऑफ है ये क्यों रहने वाली है, इसके पीछे रीजन क्या है, हम आपको इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करके बताएंगे। इसके अंदर जो सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात की जाए तो जो पीएसटी एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट हैं वो हैं 28,254। तो टोटल वो कैंडिडेट जिन्होंने पीएसटी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है तो 28,254 कैंडिडेट हैं, जिनमें से रिटर्न क्लियर किया था टोटल 37,980 ने। तो टोटल जो रिटर्न क्लियर करने वाले 37,980 थे, जिसमें से 28,254 ही फिजिकल एग्जाम क्लियर करने पाए। लेकिन पीएसटी के अंदर यहाँ पे तीन स्टेज थी हमारी। पहली स्टेज थी पीएसटी, सेकंड स्टेज थी हमारी पीएमटी और थर्ड स्टेज थी हमारी डीवी। तो यहाँ पे भी कैंडिडेट बाहर हुए हैं और यहाँ पे भी कैंडिडेट बाहर हुए हैं। तो हम फाइनली कह सकते हैं सिर्फ पीएसटी के अंदर जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो ये हैं, पीएमटी के अंदर और डीवी के अंदर कुछ कैंडिडेट बाहर हुए हैं। तो टोटल हम पास कैंडिडेट कह सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू है वो रहेगी लगभग आपकी 25,000, यानी कि 2,000 से 3,000 जो आपके कैंडिडेट थे वो पीएमटी के अंदर और डीवी के अंदर बाहर हो गए हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो एब्सेंट रह गए, दोबारा भी नहीं आए। एब्सेंट के बावजूद उनको दोबारा जैसे मौका दिया गया तो फिर भी वो कैंडिडेट अटेंड नहीं कर पाए। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, उनमें से एक कैंडिडेट मैं भी हूँ, मैंने दोबारा ना ही पीएमटी करवाई ना ही डीवी करवाई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रह गए। तो इस करके हम कह सकते हैं कि टोटल जो आपके कैंडिडेट रहेंगे फाइनल मेरिट के लिए वो 25,000 कैंडिडेट हैं जिनके अंदर फाइट होनी है। अब इस 25,000 में से भी कैंडिडेट को मैं कम करके बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट और कम होंगे, इसके अंदर ग्रुप डी के कितने कैंडिडेट हैं और फाइनल जो आपका मुकाबला होने वाला है वो कितने कैंडिडेट के बीच में होने वाला है। तो इसके अंदर जो अप्रोक्सीमेट आपके फाइनल कॉम्पिटिटर हैं वो 25,000 रह गए थे हमारे यहाँ पे। 25,000 के बाद अगर बात की जाए तो 12,000 वो कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डी में सिलेक्टेड जॉब है, सिलेक्टेड है पहले ही और उनका हरियाणा पुलिस के अंदर भी हो गया है। तो लगभग 12,000 वो कैंडिडेट हैं जिनका ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन हो चुका है या फिर जो वेटिंग के अंदर हैं। उनमें से अगर 12,000 को हम कम करें, क्यों? क्योंकि इनके 5 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे इनको गवर्नमेंट जॉब के, तो 5 मार्क्स इनके कम कर दिए गए हैं जिससे ये मेरिट में पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वो कैंडिडेट हैं 12,000, सिर्फ 12,000 वो कैंडिडेट जिनके सिर्फ 5 मार्क्स ही मिलने थे 20 में से और कुछ नहीं मिलना था, तो ये 12,000 भी बाहर हो जाएंगे। कैंडिडेट रह जाएंगे सिर्फ 13,000। अब 13,000 कैंडिडेट में से वो कैंडिडेट भी हैं जो ग्रुप डी के अंदर सिलेक्टेड हैं, जिनको 5 मार्क्स का बेनिफिट अगर काटने के बाद छोड़ दिया जाए तो फिर भी वो मेरिट में एक अच्छी मेरिट लेके और कुछ मार्क्स उनको ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी मिलते हैं। तो लगभग 1,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप डी में सिलेक्टेड भी हैं और उनको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी मार्क्स मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं तो 1,000 कैंडिडेट अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 4 मार्क्स से मिलते हैं, 4 से आपके 7 मार्क्स मिलते हैं, तो वो 1,000 कैंडिडेट हैं। तो वो कैंडिडेट भी इसके अंदर बहुत कम चांस हैं उनका सिलेक्शन होना, तो 12,000 कैंडिडेट रहेंगे। अब 12,000 कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट इनमें से भी ग्रुप डी के सिलेक्टेड हैं, लगभग 10% 1200 के आसपास वो कैंडिडेट रह जाएंगे 1200 के आसपास ग्रुप डी के, जिनके अच्छे मार्क्स हैं। तो
कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स हैं उनके, और उन कैंडिडेट्स के जो हमारी रिटर्न की कट ऑफ आई है उससे कम से कम 5 से 6 नंबर ज्यादा है। 5 से 6 नंबर ज्यादा का मतलब है आपका एक नंबर के लिए आपको पता है 0.1, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 0.8 का है, तो अगर 6 क्वेश्चन अगर वो ठीक करते हैं तो लगभग उनके 4.8 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरह से उनके 6 से 7 नंबर ज्यादा है, तो 6 से 7 नंबर ज्यादा यानी कि उनके लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन अच्छे हैं उनके हमारे कंपेयर में। तो लगभग 1200 कैंडिडेट हम मान के चलते हैं जो ग्रुप डी के हैं, इनका जिनका सिलेक्शन होना भी है, तो 12 में से वो कितने कैंडिडेट ही है जो सिलेक्शन के अंदर हो पाएंगे, क्योंकि 1200 में से जो करीम करीम थी, जरूरी तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो यहाँ पे बाहर हो गए हैं पीएमटी में, डीवी में और पीएसटी के अंदर, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, कुछ कैंडिडेट यहाँ से भी बाहर हुए हैं। तो टोटली अगर बात की जाए जो आपकी 5000 वैकेंसी है मेल कॉन्स्टेबल की, इसके अंदर जो सिलेक्शन होना है ग्रुप डी, सिर्फ ग्रुप डी के सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात की जाए, तो ग्रुप डी के इन 5000 में से सिर्फ 600 से 700 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो ग्रुप डी में सिलेक्टेड होने के बावजूद भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन के दावेदार होंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे जिनका ग्रुप डी में या किसी और गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मोस्टली वो यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो जो खट्टर सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला है कि 5 मार्क्स का बेनिफिट सिर्फ एक बार ही मिलेगा, बहुत ही अच्छा फैसला है ये, ताकि जो कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं हुए तो वो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएं। तो एक बार सिलेक्शन लेने के बाद आपको 5 मार्क्स का बेनिफिट ना देना बहुत ही अच्छा सजेशन है। तो हम इस सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं, और इस कट ऑफ के बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कट ऑफ मैंने ऐसे क्यों बनाई है। तो इसके पीछे बनाने का रीजन ये है, तो इस रीजन की वजह से हमने ये कट ऑफ तैयार की है। अब जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो कट ऑफ रहने वाली है लगभग 12000 क्रीम है, 12000 जो क्रीम है प्योर क्रीम है, उन प्योर क्रीम में से 60+ जाने वाली है जनरल की कट ऑफ। तो जनरल की कट ऑफ 60+ ही मार्क्स है, 60+ मार्क्स है आउट ऑफ 100 में से, ठीक है दोस्तों। और एससी की जो कट ऑफ है वो 54+ जाने वाली है, और बीसीए की जो कट ऑफ है 56+ जाने वाली है, बीसीबी की जो कट ऑफ है वो 57+ जाने वाली है, और एक्स सर्विसमैन जनरल की अगर बात की जाए तो 43+ जाने वाली है। एक्स सर्विसमैन के अंदर जो एससी है उसकी 38+ जाने वाली है, एक्स सर्विसमैन के अंदर जो बीसीए है उसकी 40+ जाने वाली है, और एक्स सर्विसमैन के अंदर जो बीसीबी है उसकी 42+ जाने वाली है। ये जो हमने कट ऑफ तैयार की है, लगभग 2 से 2500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2-3 अकेडमियों के हैं, और उन कैंडिडेट से और जो ग्रुप डी के सिलेक्टेड है कैंडिडेट है उनसे उनके मार्क्स जानने के बाद ही इस कट ऑफ को तैयार किया गया है। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मार्क्स विद कैटेगरी भेज सकते हैं टोटली आउट ऑफ 100 कि आपको कितने मिलने वाले हैं। तो जो मार्क्स आपको 80 के बाद 20 मार्क्स में से मिलने वाले हैं, उस 20 में से हम जोड़ के चल सकते हैं प्रत्येक कैंडिडेट के 9 मार्क्स। तो 9 मार्क्स प्रत्येक एवरेज कैंडिडेट को मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के, और 4 मार्क्स कह सकते हैं हम ग्रेजुएशन के। तो 9 मार्क्स की अगर बात की जाए तो एवरेज कैंडिडेट को मिलने वाले हैं, तो जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 9 मार्क्स ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन अब कट ऑफ जो आई है, जैसे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ कैंडिडेट का कहना है कि जो क्वेश्चन है, जैसे अगर जनरल की बात की जाए तो 52 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो 52 क्वेश्चन ये मिनिमम क्वेश्चन का सिलेक्शन है, आप मिनिमम से 9 मार्क्स नहीं जोड़ सकते। आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है 52 क्वेश्चन की, तो लगभग आपके 40 नंबर के आसपास भी बहुत ही कम नंबर बनते हैं आपके, तो हम कह सकते हैं 40 के बाद अगर 9 जोड़ेंगे तो 49 पे हुआ होगा, ऐसा नहीं है। जो आपकी कट ऑफ तैयार की गई है ये मिनिमम क्वेश्चन के ऊपर तैयार नहीं होती, जो एवरेज कट ऑफ आती है यहाँ से, एवरेज कट ऑफ के बाद जोड़ने के बाद हमने इस कट ऑफ को तैयार किया है। तो आप भी अपने, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार भी भेज सकते हैं, और साथ में जो कैंडिडेट ग्रुप डी के सिलेक्टेड है तो साथ में वो ऐसे लिखें ग्रुप डी सिलेक्टेड और इतने मार्क्स और ये कैटेगरी। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे द्वारा छोटी की गई है ये कोशिश, लेकिन बहुत टाइम लगा है इसको तैयार करने में। तो दोस्तों आपको जैसे ही ये वीडियो मिलती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं इस वीडियो से वंचित रह गए हैं तो उनको पता लग जाएगा कि इस वीडियो के अंदर कितने मार्क्स हैं उनके और वो कहाँ कट ऑफ के बीच में लाई करते हैं। तो उनका ये जो सिलेक्शन है ये 99% एक्यूरेट रहने वाली है, 1 मार्क्स प्लस माइनस हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है
कि हमने जो कट ऑफ बनाई वो 100% बनाई है, 1 marks प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है फाइनली वो यहीं पे रहने वाली है। और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आने वाला है आपको विद प्रूफ हम आपको बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ, और हमारी अपकमिंग वीडियो पाने के लिए नीचे रेड बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।